नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इफेक्टिव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और मैं धर्मेंद्र गौड़ जो है यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी के मुहावरों की सीरीज। तो यहाँ पर जो है हम लगभग 800 से लेकर 1000 मुहावरे पढ़ेंगे और इन 1000 मुहावरों को हम भिन्न भिन्न पार्टों में पढ़ेंगे। तो पहला जो पार्ट है उसमें हम यहाँ लगभग जो है वो 20-25 यहाँ पर मुहावरे लेकर आए हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम। पहला जो मुहावरा है वो है अंडा सेना। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य है घर बैठकर अपना समय नष्ट करना, ये होता है इसका तात्पर्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ओम दत्त की पत्नी ने उसको घर में पड़े देखकर एक दिन कह ही दिया कि लेटे लेटे अंडे सेते रहोगे या जाकर कुछ कमाओगे भी। तो लेटे लेटे अंडे सेते रहोगे मतलब घर में बैठकर समय बर्बाद करते रहोगे क्या, ठीक है ना? तो ये हो गया अंडा सेना का तात्पर्य। तो पहला मुहावरा क्लियर है। चलिए दूसरा मुहावरा देखिए, मैं आपको बता दूं इसकी जो PDF है वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप जब मर्जी है तब उसका रिवाइज कर लेना। दूसरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है इनकार करना, ठीक है ना? जैसे हम हरीश के घर 10 रुपए मांगने गए, उसने अंगूठा दिखा दिया, मतलब उसने साफ साफ मना कर दिया कि भाई मेरे पास नहीं है। तो अंगूठा दिखाना मतलब ठेंगा दिखा देना, मना कर देना, ठीक है ना, इनकार कर देना। अगला है अंधे की लकड़ी। तो ये तो लगभग सभी को मालूम होगा, जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति जो है वो लकड़ी की सहायता से चलता है, तो वो लकड़ी क्या करती है? उसका सहारा होती है। तो क्या हो गया? अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना। तो देखिए, एक तो अंधा व्यक्ति है और उसके हाथ बटेर लग गया, मतलब अनायास ही मिलना, मतलब उसने इतना प्रयास नहीं किया था और शायद वो उसके लिए काबिल भी नहीं था, लेकिन उसको वो चीज़ मिल गई। तो इसी को हम कहेंगे अंधे के हाथ बटेर लगना। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे कि राजेश हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आया, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए तो यह अंधे के हाथ बटेर लगना ही था, ठीक है ना? क्या था उसको? अंधे के हाथ बटेर लगने के समान था। मतलब राजेश परीक्षा में प्रथम आ गया, जबकि था वो एकदम डफर स्टूडेंट था, वो उस लायक नहीं था कि वो फर्स्ट आ सके, ना ही उसकी इतनी मेहनत थी, लेकिन फिर भी वो प्रथम आ गया। तो वो क्या हो गया? उसको वो चीज़ अनायास ही मिल गई, उसने इतना प्रयास नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसको वो चीज़ मिल गई। तो इसी को हम कहेंगे अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि उस चीज़ के काबिल ना होने के बावजूद भी वो चीज़ मिल जाना। अगला है अन्न जल उठना, यानी कि प्रस्थान करना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो उसको हम कहेंगे अन्न जल उठना, मतलब उस स्थान पर अपना दाना पानी बंद हो जाना एक प्रकार से। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, प्रोफेसर साहब रिटायर हुए तो उन्होंने क्या कहा कि लगता है बच्चों अब तो यहाँ से हमारा अन्न जल उठ ही गया है, हमें अपने गांव जाना पड़ेगा। मतलब रिटायरमेंट के बाद अब उनका वहां रहना मुश्किल हो गया है, तो अब उनको वापस गांव जाना पड़ेगा, यानी कि उस स्थान से उनको प्रस्थान करना पड़ेगा। तो यही है अन्न जल उठने का तात्पर्य, ठीक है ना? अगला है अकल के अंधे। देखिए एग्जाम में आपको एक चीज और बता दूं कि गलती स्टूडेंट करते हैं, मुहावरे हमेशा आसान होते हैं, एक बार पढ़ लीजिए लगभग याद हो जाते हैं, कुछ मुहावरे कंफ्यूज करते हैं। जैसे ये अन्न जल उठना, तो अक्सर ऑप्शन में एक चीज और दी गई होगी कि निर्धनता आना या गरीबी आना, इस प्रकार का ऑप्शन होगा, तो अक्सर स्टूडेंट वो भी लगा सकते हैं कि अन्न जल उठ गया मतलब निर्धनता आ गई। तो ऐसा नहीं है, आप चीजों को पढ़िए और समझिए, ठीक है ना? तो आंसर क्या रहेगा उसका? प्रस्थान करना। अगला है अकल के अंधे, यानी कि मूर्ख और बुद्धिहीन, ये होता है अकल के अंधे, ठीक है ना? ये हम अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, तो ये काफी सारे स्टूडेंट को पता होगा। तो अकल का अंधा होना यानी कि मूर्ख होना या बुद्धिहीन होना, ठीक है? अगला देखते हैं अकल पर पत्थर पड़ना, यानी कि कुछ समझ में ना आना। तो दोनों लगभग एक जैसे हैं, अकल का अंधा यानी कि मूर्ख और बुद्धिहीन, लेकिन अकल पर पत्थर पड़ गया तो वो मूर्ख तो नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया है कि मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। तो वही चीज लिखी है, अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब हो गया कुछ भी समझ में ना आना, ठीक है ना? उस समय डिसीजन ना ले पाना कि क्या करना है, यानी कि किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति बनना। एक और मुहावरा होता है किम कर्तव्य विमूढ़, उसका मतलब होता है कि डिसीजन ना ले पाना, ठीक है ना, निर्णय ना ले पाना। अकल के पीछे लठ लिए फिरना, अगला मुहावरा क्या है? अकल के पीछे लठ लिए फिरना, यानी कि मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो देखिए सारे जो है वो मूर्खता से, अकल से रिलेटेड चल रहे हैं। तीनों को एक बार फिर से हम देखते हैं। पहला था अकल के अंधे मतलब मूर्ख और बुद्धिहीन, ठीक है ना? क्या था?
मूर्ख और बुद्धिहीन, ये था अकल के अंधे का मतलब। दूसरा है अकल पर पत्थर पड़ना, मतलब कुछ समझ में ना आना। तीसरा है अकल के पीछे लठ लिए फिरना, मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना, मतलब कुछ समझ बूझ कर काम किया करो, हमेशा अकल के पीछे लठ लिए क्यों फिरते हो। ठीक है ना, जैसे कि कोई कोई चीज हुई, कोई बात हुई, और किसी ने एकदम से कोई एकदम एंग्री डिसीजन ले लिया, क्रोध में आके कोई काम कर लिया और उसका नुकसान उसको भुगतना पड़ा, तो इसी को क्या कहेंगे कि अकल के पीछे लट लिए फिरता है, अपना नुकसान खुद कर लेता है। तो मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ये क्या हो गया, अकल के पीछे लट लिए फिरना। अगला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि अलग थलग रहना। ठीक है ना, अपनी खिचड़ी, अपना खाना जाके वो अलग बना रहा है अन्य लोगों से, तो उसको क्या कहेंगे, अलग थलग रहना, किसी की ना मानना। ठीक है ना, जैसे उदाहरण के तौर पर सुनीता की पड़ोसनों ने उसको अपने पास ना बैठाते हुए बैठता देखकर कहा कि सुनीता तो अपनी खिचड़ी जो है अलग पकाती है, या चार औरतों में नहीं बैठती, मतलब मिलजुल कर नहीं रहती है वो, अपना जो है काम अलग अलग करती है। बिल्कुल ठीक है ना, यानी कि अलग थलग रहती है, तो यानी कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब अपना कार्य अलग करना, अलग थलग रहना। ठीक है, चलिए अगला है अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। क्या हो जाएगा, अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है ना, यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना काफी प्रचलन में आने वाला मुहावरा है, तो अक्सर लोगों को इसको आपको काफी को मालूम होगा ये। अगला है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि खुद की स्वयं की प्रशंसा करना, जैसे राजू अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, यानी कि अपनी प्रशंसा ही खुद किए करता है कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तो इस प्रकार। ठीक है, अकल के घोड़े दौड़ाना, अकल के घोड़े दौड़ाना यानी कि जो है दिमाग पर जोर डालना। ठीक है ना, और उस जोर का इस्तेमाल किस में करना, कल्पनाएं करने में करना। ठीक है ना, कभी कभी कहते हैं कि आप अकल के घोड़े दौड़ाओ, यानी कि थोड़ी सी कल्पना करो, थोड़ा सा इमेजिन करो, वो शायद आपको सॉल्यूशन वहां मिल जाए। लेकिन यहाँ इसका जो है तात्पर्य थोड़ा सा भिन्न अर्थ में है कि अकल के घोड़े दौड़ाना यानी कि केवल कल्पनाएं करते रहना, यानी कि सफलता के लिए अकल के घोड़े दौड़ाने से नहीं, परिश्रम से सफलता मिलती है। ठीक है ना, तो मेहनत से सफलता मिलती है, केवल कल्पना करते रहो, सोचते रहो। ठीक है ना, लाल बत्ती की कल्पना करते रहो तो उससे थोड़ी ना मिल जाएगी, तो यहाँ अकल के घोड़े दौड़ाना यानी कि कल्पना करना। ठीक है, अंधेरे घर का उजाला, यानी कि इकलौता बेटा, अंधेरे घर में उजाला करते हैं। ठीक है ना, अंधेरे घर में उजाला एक दिए या एक बल्ब से किया जा सकता है, तो वही है अंधेरे घर का उजाले का सहारा क्या है, इकलौता बेटा है, तो मयंक अपने घर का उजाला है। ठीक है ना, चिराग है, कभी कभी कहते हैं ना इकलौता चिराग है घर का, तो वो चिराग का भी तात्पर्य यहां पर अंधेरे घर का उजाला हो जाएगा। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी कि लज्जित होना, ये कई बार एग्जाम में आता है, विजय परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर अपना सा मुंह लेकर रह गया। ठीक है ना, यानी कि लज्जित हो गया, उसको शर्मसार कर दिया गया, तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी कि लज्जित होना, होप सो याद रहेगा। अरण्य रोदन, अरण्य रोदन का मतलब होता है व्यर्थ प्रयास, यानी कि कंजूस व्यक्ति से धन की याचना करना अरण्य रोदन है, यानी कि व्यर्थ प्रयास है। मतलब तो कंजूस व्यक्ति से आप धन मांगोगे तो क्या मिलेगा, क्या आपको नहीं मिलेगा, तो फिर मांग ही क्यों रहे हो, यानी कि व्यर्थ प्रयास कर रहे हो आप। ठीक है ना, तो यही है अरण्य रोदन, यानी कि व्यर्थ प्रयास करना। क्लियर, अगला है अकल चरने जाना, कभी कभी कहते हैं हम कि अकल क्या घास चरने गई है। ठीक है ना, तो अकल चरने जाना या अकल घास चरने जाना यानी कि बुद्धिमता गायब हो जाना, मूर्खपूर्ण कार्य करना, वही है अकल चरने जाना। जैसे कि उदाहरण देखें, तुमने 60 साल के बूढ़े से 18 वर्ष की लड़की का विवाह कर दिया, लगता है तुम्हारी अकल चरने गई थी, यानी कि बिल्कुल मूर्खपूर्ण कार्य किया है, आपकी बुद्धि जो है वो गायब हो गई है। 60 साल के बूढ़े का 80 वर्ष की लड़की से विवाह होता है कहीं, तो इसी को कहेंगे कि अकल घास चरने गई है, अकल चरने गई है, मूर्खपूर्ण कार्य किया है आपने, आपकी बुद्धि जो है वो गायब हो गई है। तो ये सारी चीजें एक है। ठीक है, अगला है अड़ियल टट्टू, अड़ियल टट्टू यानी कि जिद्दी, कोई अड़ियल होता है ना, अपनी बात पे अड़ जाता है कि नहीं मैं तो यही कार्य करूंगा वरना कुछ नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं अड़ियल टट्टू, यानी कि जिद्दी होना। आज के युग में अड़ियल टट्टू पीछे रह जाते हैं, अगर आप जो है अपना अड़ियल रवैया रखेंगे, बड़ों की बात नहीं मानेंगे, गुरु की बात नहीं मानेंगे, तो क्या होगा, आपका वहां नुकसान होगा। केवल जिद्दी होने से, अड़ियल टट्टू होने से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है अंगारे उगलना,
तो नाम से स्पष्ट है कि जो है आंखों से अंगारे या मुंह से अंगारे उगलना मतलब क्रोध करना, एक तरह से क्रोध में लाल पीला हो जाना। जैसे अभिमन्यु की मृत्यु से आहत अर्जुन कौरवों पर अंगारे उगलने लगा, ठीक है ना। अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो क्या हुआ, उसको एकदम से क्रोध आ गया। क्रोध आ गया मतलब उसके अंगारे उगलने लगे, ठीक है ना, और कौरवों पर जो है वो अपना क्रोध बरसाने लगा, अंगारे उगलने लगा। तो याद रहेगा अंगारे उगलने यानी क्रोध में लाल पीला होना। नेक्स्ट है अंगारों पर पैर रखना, यानी कि स्वयं को खतरे में डालना। अंगारों पर पैर रखना, जैसे अंगारों पर पैर रखेंगे तो क्या होगा, जलेंगे ही, सीधी सी बात, हमको पहले से ही पता है कि वहां हमारा नुकसान होना है। तो हम स्वयं को क्या कर रहे हैं, रिस्क में डाल रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। तो व्यवस्था के खिलाफ लड़ना अंगारों पर पैर रखने जैसा है, यानी कि अगर आप सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे तो हो सकता है पूरी पूरी चांसेस हैं आपको उसमें आपको नुकसान ही भुगतना पड़े, ठीक है ना। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे। इसी प्रकार जो है ये पहला भाग था, फर्स्ट पार्ट है। प्रत्येक पार्ट में हम 25 से 30 मुहावरे लेकर आएंगे और इसी प्रकार हम 1000 मुहावरे कंप्लीट करेंगे 1 महीने के अंदर अंदर। तो ये जो है आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक, ठीक है ना, लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।